मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की भूमिका में काफी सक्रिय हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ दो फैसले लेने के बाद मनोज सिन्हा सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बीच मनोज सिन्हा के नाम के गलत इस्तेमाल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मनोज सिन्हा के LG बनने के बाद किसी ने चालाकी दिखाते हुए उनके नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट से ट्वीट भी किए गए। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर सेल के हेड ताहिर अशरफ ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि माननीय उपराज्यपाल के नाम पर फर्जी ट्विटर हैंडल का संज्ञान लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि ये ट्विटर अकाउंट मनोज सिन्हा के LG के तौर पर नाम की घोषणा होने के तुरंत बाद ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने वाले ने इस अकाउंट से PM मोदी और अमित शाह को टैग करते हुए ट्वीट भी किया था। आपको बता दें कि पुलिस का संज्ञान लेने के बाद ट्विटर ने इस फर्जी अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया के इस दौर में इस तरह के फर्जीवाड़े काफी हो रहे हैं। एक दर्शक के तौर पर आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। सामान्य रूप से किसी मशहूर शख्सियत के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ब्लू टिक मिला रहता है। आप अभी स्क्रीन पर मनोज सिन्हा का आधिकारिक ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, इसमें भी ब्लू टिक है। इसके अलावा मनोज सिन्हा के नाम से चलाए जा रहे दूसरे सारे ट्विटर हैंडल या तो फेक है या पैरोडी अकाउंट है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।